हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी अदोरम्बे, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले कुछ इस तरह का, आपको मैं बता रहा पोस्टर बनाना है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। इसमें आपको वीडियो में कहीं एक जगह देखने को पासवर्ड मिलेगा, PLB फाइल, PNG फाइल और पिक्सल एप्लीकेशन का सारे के सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग बंदा अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग PLB फाइल जाकर नीचे से आप लोग ऑल मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए क्योंकि वीडियो में आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा, पासवर्ड आपको अनजिप कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, न्यू टेस्ट देगा, न्यू टेस्ट को आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपका थ्री आइकन सेलेक्ट करना है, यूज फॉर इमेज गैलरी पर जाएंगे। गैलरी पर जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर थ्री आइकन देखने को मिलेगा, ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फाइल मैनेजर में चले जाना है। और फाइल मैनेजर में जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का नाम है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 10, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल गया, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपको मैं बता दूँ क्या करना है आगे चल के। यहाँ पर प्लस वाला आइकन ऊपर क्लिक करना, प्लस वाले आइकन में यहाँ पर फॉर्म गैलरी पर जाना है। फॉर्म गैलरी पे जाने के बाद कुछ हम इस तरह का लेंगे, पहले आपको बैकग्राउंड कुछ इस तरह का ले लेना है। इसको हम थोड़ा बीच वाले पे सेलेक्ट करके इसका रिलेटिव साइज हम कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। रिलेटिव साइज बढ़ा देने के बाद ओके कर देना, फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है। अब यहाँ पर हम किस भाव के कुछ इस तरह का PNG लेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका भी रिलेटिव साइज हम बढ़ा देंगे, फिर से ओके करना है, फिर से प्लस वाले सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म गैलरी पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे कुछ इस तरह का, किस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी रिलेटिव साइज हम बढ़ा देंगे, कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म गैलरी पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह का लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसका भी रिलेटिव साइज को हम बढ़ा देंगे। इसको कर लेने के बाद फिर से आपको प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर्म गैलरी पे जाना। अब यहाँ पर अपना हम फोटो लेंगे कुछ इस तरह का, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको रिलेटिव साइज को बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। फिर जाके आपको क्या करना है, फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बचा है, उसको जो बचा होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी सब कुछ यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है। एक बार बैक कर देते हैं, बैक करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कुछ चीज़ बहुत ही बेहतरीन डिजाइन में हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर नाम लिखें, नाम लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ए वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है, न्यू टेस्ट ले लेना है। न्यू टेस्ट लेने के बाद नीचे आपको इस तरह इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना, दो बार टाइप करना है, दो बार टाइप करने के बाद सब कैंसिल करके यहाँ पर जैसे मैंने RB यादव लिख देता हूँ, RB यादव मैंने लिख दिया। इसको बाद सेलेक्ट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आपको कलर का ऑप्शन देखोगे, कलर जो भी चेंज आपको करना कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फॉन्ट में बहुत ज़्यादा फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं माई फॉन्ट लेता हूँ, माई फॉन्ट पे इस तरह का ले लेना। अगर आपको चाहिए माई फॉन्ट तो मेरे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइनिंग हो जाइए, वहाँ और मैंने फॉन्ट को अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव करने के लिए सेव का ऑप्शन ऊपर क्लिक करना है, सेव एन इमेज पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी पर सेलेक्ट करके अल्ट्रा क्वालिटी कर लेना है। उसके बाद सेव टू इमेज गैलरी पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन।